पिक्सल ओएस का ऑफिशियल अपडेट आया हुआ है मी 11X एंड पोको एफ 3 और रेडमी के 40 के लिए। लास्ट रिव्यू मी 11X के लिए उसे मैं किया हुआ था करीब 3 से 4 मंथ पहले, वो भी अनऑफिशियल बिल्ड जब आया था पिक्सल ओएस का उसका किया हुआ था। तो उसके मुकाबले जो भी चेंजेस हुए फ़िलहाल यहाँ पे हमें जो देखने को मिलते हैं क्या क्या चेंज हुआ उसके बाद, तो यहाँ पे मैं आपको उन सभी के बारे में बताऊँगा जो भी चेंज हुआ है बैटरी बैकअप गेमिंग में या फिर फीचर्स कुछ न्यू ऐड हुए उन सभी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। 3-4 मंथ पहले अनऑफिशियल का किया था उसके मुकाबले यहाँ पे हमें क्या कुछ न्यू देखने को मिलता है उन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पिक्सल ओएस का ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 13 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच आप जनवरी 2023 की लेटेस्ट मिलती है। कर्नल इसके अंदर नेक्सस का वर्जन 13 मिलता है, उस टाइम पे जो है वर्जन 7 वाला नेक्सस का देखने को मिलता था उसके अंदर। वहीं बिल्ड देखें तो ये 22 जनवरी 2023 का ये बिल्ड है। और अब हम यहाँ पे चलते हैं इसके नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ। तो यहाँ पे हॉटस्पॉट में एक चेंज मिलता है कि अलाउ क्लाइंट टू यूज़ वीपीएन देखने को मिल जाता है, पहले नहीं मिला करता था। अब यहाँ पे जो है हॉटस्पॉट आपका अच्छे से काम कर रहा है, उसे पहले भी काम करता था बट न्यू अलाउ क्लाइंट टू यूज़ वीपीएन है। बट कास्ट का प्रॉब्लम अभी भी देखने को मिल रहा है, पहले भी था और कास्ट का प्रॉब्लम अभी भी हमें यहाँ पे मिल रहा है, ये फिक्स नहीं हुआ है। वहीं ऐप्स के अंदर में आपका असिस्टेंट काम करेगा, पिक्सल लॉन्चर ही रहेगा सेम, दिन में कुछ चेंज नहीं हुआ, ये आपका सेम पहले जैसा ही रहने वाला है, नोटिफिकेशन सेम है। बैटरी की अगर बात करते हैं तो बैटरी के अंदर आपका थर्मल प्रोफाइल पूरा सेम रहेगा एंड बैटरी यूजेस का ग्राफ अब लेटेस्ट मिल जाता है, पहले भी पिक्सल वाला था अब लेटेस्ट वाले में कुछ इस तरीके से मिलता है, ये रहेगा बस थोड़ा सा लेट बैटरी यूजेस ऐड होता है। वहीं बैटरी सेवर में रेडियस रिफ्रेश रेट का ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाता है, उस टाइम पर नहीं था। एंड लास्ट में आपको बैटरी परसेंटेज का मिल जाएगा। वहीं बैटरी की अगर बात करें 2 आवर 80% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 93% मिला है, पिछला लास्ट जो रिव्यू किया था उसमें भी 93 था, यानी कि बैटरी के अंदर आपको कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिलेगा। साउंड एंड वाइब्रेशन में अब यहाँ पे जो है मल्टीपल सिम पे रिंगटोन लगाने के लिए मिल जाता है, पहले सिर्फ सिंगल सिम पे था, मल्टीपल सिम पे लगा पाओगे। और मीडिया जैसे कि इसके अंदर अब आपको 100 मीडिया ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है, तो ये आपका मीडिया लेआउट भी लेटेस्ट देखने को मिल जाएगा। और लेटेस्ट लेआउट का काफ़ी सारे वीडियो में ऑलरेडी बता रखा हूँ कि ये सारी चीज़ें तो आपको चेंज मिलती है, बट इसका जो वॉल्यूम स्लाइडर है उसमें ज़रूर अब लेटेस्ट के अंदर लैग मिलता है और ये चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। ये एक लैग यहाँ पे रहता है इसके वॉल्यूम स्लाइडर में, बाकी तो मीडिया में ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस वही वॉल्यूम स्लाइडर में लैग है। और वाइब्रेशन हैप्टिक सेम ही रहेगा। अब नीचे यहाँ पे जो साउंड के ऑप्शंस बाहर मिला करते थे अब आपको एडिशनल सेटिंग्स में देखने को मिलेंगे, और यहीं पे इन कॉल वाइब्रेशन भी ऐड किया गया है, पहले यहीं पे देखने को हमें मिलता था वॉल्यूम पैनल लेफ्ट करने के लिए और साथ साथ वाइब्रेट मोड का आइकन को ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ था, तो रिमूव कर दिया गया है। अपर है वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है बाहर में देखने को मिलेगा, न्यू है। एनएमआई साउंड एनहांसर के अंदर में पहले हाईफाई भी मिला करता था जो कि अभी देखने को हमें नहीं मिलता इसके अंदर में, बाकी के ऑप्शन जो है काम कर रहे हैं। एंड वहीं डिस्प्ले के अंदर में भी लॉक स्क्रीन में जाओगे तो यहाँ पर भी एक चेंज मिलता है, इसके अंदर रिपल इफेक्ट अब मिल जाएगा, यानी कि जो फिंगरप्रिंट एनिमेशन है उसको ऑन ऑफ आप कर पाओगे, अनलॉकिंग जो एनिमेशन है उसको ऑन ऑफ कर पाओगे इसके अंदर में। वहीं लॉक स्क्रीन के अंदर में शॉर्टकट भी क्यूआर का आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता था, ये कुछ चेंजेस मिलते हैं। फिर नीचे आने के बाद यहाँ पर जो है आपको इसके डार्क के अंदर यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड मिल जाएगा डार्क थीम के अंदर में। आइकन मैनेजर में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वैसे तो वाईफाई स्टैंडर्ड आइकन न्यू देखने को मिलेगा, और इसी के नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे रियल टाइम नेटवर्क स्पीड ये न्यू देखने को मिल जाएगा, पहले नहीं मिला करता था, तो यहाँ से आप जो है इनेबल डिसेबल कर पाओगे, इंटरनेट स्पीड आपका शो करेगा। वैसे वोल्टी आइकन अभी भी देखने को नहीं मिलता इसके अंदर में, वोल्टी आइकन शो नहीं करेगा। और नीचे फिर लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन न्यू मिल जाता है, पहले ये नहीं था बिल्कुल भी यहाँ पे, उस टाइम कलर का ऑप्शन था काम करता है, और यहाँ पे रिफ्रेश रेट का सिर्फ एक ऑप्शन था और उसके अंदर फिर यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम और प्रेफर्ड वाले देखने को मिला करते थे, अब यहाँ पे सिर्फ पीक है और मिनिमम रिफ्रेश रेट ये दो देखने को अब यहाँ पे मिल जाते हो। वैसे रोटेशन के अंदर में भी आपको यहाँ पे रोटेशन मोड सभी देखने को मिल जाएंगे, टैप टू वेक पहले से था, टैप टू स्लीप मिल जाता है, और यहीं पे फुल स्क्रीन ऐप्स में जो है पहले आइकन नहीं मिला करता था, अब आइकन आपको मिलेगा। साथ साथ हाई टच पोलिंग रेट न्यू मिल जाएगा और सो डाटा डिसेबल भी अब न्यू मिल जाता है, पहले नहीं मिला करता था, ये भी यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं एमबी डिस्प्ले सेम है, पर एफ रिफ्रेश रेट आपका सेम रहने वाला है, बट यहीं पे लास्ट में जो ऑप्शन आपको मिलता है हाई ब्राइटनेस मोड का ये न्यू देखने को यहाँ पे मिल जाता था। ये कुछ चेंजेस डिस्प्ले के अंदर रहने वाली हैं। और वॉलपेपर स्टाइल में सिर्फ यहाँ पे जो वॉलपेपर यूज़ कर रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, बट ऐसा कोई चेंज आपको इसके अंदर नहीं मिलने वाला, सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा। सेटिंग्स के मामले में देखोगे तो एसबिलिटी सेम है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ऐसे तो इनक्रिप्टेड आता है रोम, डिक्रिप्ट करके मैं इंस्टॉल किया हूँ। लास्ट में आपको थर्ड पार्टी नोटिस का भी यहाँ पे मिल जाता है, पहले ये नहीं मिला करता था यहाँ पे।
और फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों मिल जाएगा, बट अब आपको पैटर्न साइज भी मिल जाएगा। पिन अगर ऐड करोगे तो स्क्रैम्बल लेआउट भी देखने को आपको मिलेगा। सबसे पहले फिंगरप्रिंट अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, अच्छे से काम कर रहा है। और फेस अनलॉक ये भी वैसे रिस्पॉन्स इसका भी अच्छा मिल जाता है, फेस अनलॉक के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेटिंग में जाओगे तो अब आपको क्विक अनलॉक और स्क्रैम्बल लेआउट देखने को मिल जाएगा इसके अंदर में। जैसे कि बताया पिन पे ये काम करता है, और पिन इनेबल करने के बाद आपका जो नंबर पोजीशन है, पिन लगाते हो नंबर पोजीशन आपको चेंज देखने को मिलेगा। जितनी बार अनलॉक करने आओगे उतनी बार आपको ये पोजीशन चेंज देखने को हर बार मिलती है। तो इस तरीके से जो है स्क्रैम्बल लेआउट ये काम करता है। और अब हम बैक करते हैं, चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे हमारा सेफ्टी इमरजेंसी डिजिटल वेल्बिंग है जो कि सेम पहले जैसे रहेगा। सिस्टम के अंदर में यहाँ पे लैंग्वेज में जाओगे तो लैंग्वेज के अंदर ऐप लैंग्वेज में थोड़े से एप्लीकेशन बढ़े हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। वहीं जेस्चर के अंदर क्विक टैप आप देखने को मिलेगा, यानी कि बैक टैप वाला जो है वो मिल जाएगा। उस टाइम पर ये देखने को नहीं मिला करता था, अब हमें यहाँ पर मिल जाता है और अच्छे से काम कर रहा है। वैसे ये हम इसे ऑफ कर देते हैं एक्सीडेंटल टैप, क्योंकि हो जाता है इससे कभी कभार। एंड यहाँ पे वही सिस्टम नेविगेशन में जाओगे तो जेस्चर की सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जेस्चर बार जो कि पिल को यानी कि हाइड करने के लिए दिया गया, न्यू मिल जाएगा। बाकी और कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। वहीं बाहर में क्विक टॉर्च न्यू देखने को मिल जाता है, ये पहले नहीं मिले करता था। प्रेजेंट होल्ड पावर एंड असिस्टेंट के अंदर आपको असिस्टेंट पहले मिलता था और एडवांस रिस्टार्ट, लेकिन अभी आपको पावर मेन्यू का भी ऑप्शन अब मिल जाएगा, जैसे कि सभी लेटेस्ट में ऐड हो रहा है। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट सेम है। डबल टैप चेक फोन अब मिल जाता है, पहले ये भी नहीं मिलता था। और रिंगिंग पहले का ही है। बाकी डेवलपर ऑप्शन के अंदर अभी भी जो है हमें हाइड नोच नहीं मिलता इसके अंदर में। वहीं एनिमेशन में कोई दिक्कत नहीं, एनिमेशन पहले भी आपको अच्छा मिलता था और अभी भी एनिमेशन अच्छा ही देखने को मिलेगा। ब्लैक क्विक पैनल हमारा पूरा देखने को मिल जाता है। वहीं आपका देखोगे यहाँ पे जो आपको मिल रहा है रियल टाइम जो नेटवर्क स्पीड है, ट्रैफिक इंडिकेटर, वो यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैटरी की साइड में राइट साइड में देखने को मिलता है, नहीं तो ऑफ नॉर्मल में आपको लेफ्ट देखने को मिलता है। एडवांस रिस्टार्ट ऐसा मिल जाएगा। अगर हम टाइल्स की बात करें तो टाइल्स में आपको ब्लूटूथ ऊपर तो एक मिलता है, एक नीचे भी दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे कुछ टाइल्स आपको न्यू देखने को ज़रूर मिलते हैं, जैसे कि हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन सेवर का न्यू मिल जाएगा, एंड VPN का न्यू देखने को मिल जाता है। और यहीं पे नीचे फिर आपको रीडिंग मोड मिल जाएगा, और ये ब्लूटूथ एक और नॉर्मल वाला दिया है। वहाँ पे ऊपर जो दिया है पॉपअप वाला है, बट यहाँ पे भी दिया गया है। बाकी आपका ये हाई ब्राइटनेस मोड का एक टाइल देखने को मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है ब्लूटूथ का, दो दो देखने को मिले टाइल्स। एंड यहाँ पे हमारा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है सेम सेटिंग्स के साथ आता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो परफॉर्मेंस है वो भी सेम रहेगी, यानी कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कोई भी आपके एनिमेशन में फ़र्क नहीं पड़ने वाला। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी आपका एनिमेशन स्मूथ ही रहता है। और वॉल्यूम पैनल सेम है, एक्सपेंड वाला रहेगा बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐप ओपनिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे भी हालांकि एनिमेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से ओपन हो रहा है, फास्ट ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं मिलती। रीसेंट पूरा सेम है, सेलेक्ट का या स्क्रीनशॉट ये सब काम करता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें इसके प्ले स्टोर के बारे में तो प्ले स्टोर सर्टिफाइड ही आता है, सेफ्टी नेट पास रहेगा, तो विदाउट रूट भी आप बैंकिंग ऐप आराम से यूज़ कर पाओगे। और रीसेंट वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, विजेट्स सभी लेटेस्ट रहेंगे, यहाँ से कोई चेंज नहीं है। कैमरा जरूर पहले नॉर्मल मिला करता था, अब आपको अपर्चर वाला मिल जाएगा, इसमें अल्ट्रा वाइड ये सब मिल जाएगा। और अपर्चर का जो लेटेस्ट है वो वाला आपको कैमरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी अगर आप इसके जाते हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग में FPS आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो FPS जैसे कि 60 FPS तक का आपको मिल जाता है। बाकी सेटिंग्स नॉर्मली जैसे रहती थी पहले अपर्चर की, बाकी रोम्स में देखे हो वही रहेगा, बट पहले नॉर्मल था, अब अपर्चर मिल जाता है। कैमरा NGCam आपको मैनुअली इंस्टॉल करना होगा, काम करता है अच्छे से। Dolby Atmos पहले से ही था, काम कर रहा है। वहीं अगर हम गूगल फोटो की बात करें तो अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ में ही आता है, पहले भी था ये, तीन में कोई चेंज नहीं है। आप ये भी आपको अनलिमिटेड स्टोरेज के साथ गूगल फोटो मिल जाता है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। और अब कॉलिंग की बात करें तो कॉलिंग के अंदर वोल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल फिलहाल काम नहीं कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें वाईफाई कॉलिंग की तो वो काम कर रहा है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है। कॉल रिकॉर्डिंग उस टाइम पे नहीं मिला करता था ऑफिशियल वाला जब ट्राई किया था, लेकिन यहाँ पे मिल जाता है और काम कर रहा है, अलर्ट कर देता है। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस में आपका मीडिया कॉलिंग दोनों भी यूज़ कर पाओगे, ब्लूटूथ डिवाइस में कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे आपका एंटूटू स्कोर 685,110 है, पिछले में 720,000 था। वहीं CPU थ्रोट रेट यहाँ पे हमें 95% मिला है, लास्ट जो रिव्यू किया था 91% था। Geekbench स्कोर इसमें सिंगल में 983 है, वहीं मल्टी के अंदर 3091 है, पिछले में सिंगल 979 था और मल्टी के अंदर 3341 तक जो है देखने को मिला था। और अब चलते हैं बूट एनिमेशन में, तो लास्ट जब रिव्यू किया था जैसे कि 3-4 मंथ पहले करीब किया था अनऑफिशियल वाले का, तो उसमें आपको मोनेट वॉलपेपर मोनेट बूट एनिमेशन नहीं मिलता था, लेकिन अभी जो है वॉलपेपर बेस्ड यानी कि मोनेट वाला जो बूट एनिमेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो वॉलपेपर बेस्ड कलर रहेगा उस पर, और गेम आपका गेम स्पेस नहीं मिलता इसके अंदर, तो नॉर्मल ही है। बाकी ग्राफिक भी स्मूथ पे एक्सट्रीम है, बाकी आपका HDR एक्सट्रीम तक मिलता है और अल्ट्रा HD का सपोर्ट रहेगा। नॉर्मल जो मिलता है 11X में वही रहेगा।
एंड गेमिंग की अगर बात करें तो गेमिंग परफॉर्मेंस अभी भी आपको अच्छी ही मिल जाती है। गेमिंग में हालांकि ऐसा कुछ खास फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलता है, गेमिंग पहले भी अच्छी मिल जाती थी और अभी भी आपको उसी टाइप से गेमिंग देखने को मिलेगी। गेमिंग के अंदर कुछ भी खास फ़र्क नहीं है, बैटरी सिमिलर रहेगी बट चेंज यहाँ पर ज़रूर आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। उस टाइम के मुकाबले अगर हम अभी देखें तो काफ़ी चेंज हुए हैं, काफ़ी कुछ न्यू देखने को मिल जाता है। बट बैटरी और परफॉर्मेंस की अगर बात करें तीन में ऐसा कुछ चेंज है, उतना कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये था आज की इस वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।